Subscribe and click the bell icon for all the television updates. जी हाँ, एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट और उससे ज़्यादा एज अ बिग बॉस फैन, इस साल मुझे सच बताऊँ तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है, काफ़ी बोरिंग लग रहा है, बट आई एम श्योर आगे चलकर मज़ा आएगा डेफिनेटली, क्योंकि बिग बॉस गेम ही ऐसी है। या ओके, आपके सीजन की बात करें, इस वाले जो सीजन की बात करें, आपको क्या अलग लग रहा है, क्या बेटर था, क्या कमियां दिख रही हैं? जो हमारा सीज़न था उसमें पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया था कॉमनर्स वर्सेस सेलिब्रिटीज़ का, तो वो थोड़ा यूनिक था, तो इसलिए काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन आई थिंक इस बार रेपिटेटिव हो गया है, तो और जो कॉमनर्स भी इस बार है वही सेम, मतलब ऑलरेडी उनको सब पता है कि लड़ाई झगड़ा करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत मतलब सीख सिखा के देखते मतलब काफ़ी देख के आया ऐसा लग रहा है। इवेंचुअली सबके चेहरे बाहर आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एक दो हफ्तों में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ जो सीख कर आए, जो देख कर आए वही कर रहे हैं, उनको पता है कि मतलब जब कुछ नहीं हो रहा इंटरेस्टिंग तो उन्होंने बीच में आई थिंक एक फेक फाइट कर दी थी कि चलो कुछ इंटरेस्टिंग होगा, और वो फिर उनको दिखाया भी गया, तो फिर ये चीज़ उनको पता है कि क्या करना है। ओके, आपको कौन लग रहा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है दीपिका जी, और उनके बाद आई थिंक KB जी, दोनों बहुत स्ट्रांगली खेल रहे हैं और उनको पता है कि कहाँ पर स्टैंड लेना है, और अग्रेशन भी दिखाते हैं वो तो टास्क के अंदर, और कितना अग्रेशन दिखाना है कितना नहीं उनको पता है, और बिल्कुल डिसेंट वे में, डिग्निफाइड वे में वो खेल रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा इतना प्यार देते हैं, हमेशा टेली मसाला में मैं देखता रहता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि रोहन मेहरा को बुलाइए, उनके इंटरव्यूज़ लीजिए, तो थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए हमेशा आगे भी, और हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।